शिकारपुर में डीआईजी लाड़काना और एसएसपी शिकारपुर ने अपने ही एसएचओ समेत चार पुलिस अहलकारों के अगवा के बाद पुलिस में जराइम पेशा अनासिर के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेड कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईए शिकारपुर के साबिक इंचार्ज एएसआई को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये भी इंकशाफ हुआ कि मुअत्तल होने वाले हेड कांस्टेबल एएसआई अहलकार एसएचओ के अगवा में मुलव्वस हैं। शिकारपुर में डीआईजी लाड़काना और एसएसपी शिकारपुर ने अपने एसएचओ समेत चार पुलिस अहलकारों के अगवा के बाद पुलिस में जराइम पेशा अनासिर के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेड कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सीआईए शिकारपुर के साबिक इंचार्ज एएसआई को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे सैयद जफर हुसैन शाह, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर बताइए। जी बिल्कुल, देखें डीआईजी लाड़काना जावेद अहमद जिस्तानी की जानिब से शिकारपुर पुलिस में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की काली भेड़ों में जो है वो अपने ही साथी अहलकारों के मुलविस होने में जो है वो शामिल है, जिस पर आवाम का तो फिर अल्लाह याफिज है। ऐसा कहना है डीआईजी लाड़काना का हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल से लेकर जो है वो एहलकार जो है वो जराइम पेशा अफराद में दस्ते राह बने हुए हैं। महर बडानी जतोई की गिरफ्तारी के बाद आईजी लाड़काना जावेद अहमद जिस्कानी, एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफा बुराई ने अपने एसएचओ महबूब बुराई समेत चार पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद जो वो पुलिस में छुपे अनासिर के खिलाफ जो वो सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डीआईजी लाड़काना ने हेड कांस्टेबल आलम कुरजई, पुलिस कांस्टेबल अली हसन बडानी और पुलिस कांस्टेबल कुर्बान काकरानी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए पासवान साबिक इंचार्ज इंस्पेक्टर अयाज अहमद खेड़ो को भी जो है वो मुअत्तल करके बी कंपनी कर दिया गया है। मुजरिमों की सहूलत फराहम करने के इल्जाम में जो है वो तमाम इंस्पेक्टर को जो है वो मुअत्तल किया गया है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुअत्तल होने वाले हेड कांस्टेबल एएसआई इंस्पेक्टर जो है वो महबूब बिरोही के अगवा में मुलविज है। डाकू ने जो वो एसएचओ समेत पांच एहलकारों की रिहाई के बदले में बदनाम जमाना डाकू इनामी आपका डाकू महर बडानी जतोई का जो वो मुतालबा कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर, आपने अपडेट किया।